आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। प्रदेश की राजधानी में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज केडी बाबू सिंह स्टेडियम में फिट इंडिया रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फ्लैग दिखाकर दौरे को रवाना किया और पथराव करने वालों को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कानून और संविधान के ऊपर कोई नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है, जो लोग इसके पीछे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देश में शांति बनी रहे और कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ते हैं वो उठाने ही चाहिए। किसी को ये अधिकार नहीं है लोकतंत्र में कि वो पथराव करे, उपद्रव करे और इस तरह से हिंसा भड़काएं। ऐसे लोग जो देश में अशांति कराना चाहते हैं, उपद्रव मचाना चाहते हैं, दंगे भड़काना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। दुर्भाग्य कानपुर में पिछले हफ्ते हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वही आरोपी के करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जो एसएम मलिक की प्रॉपर्टी को कानपुर विकास प्राधिकरण ने सीज कर दी। वही मजदूरों को अधिकारियों ने बाहर निकालकर बिल्डिंग को सीज कर दी। प्रयागराज में बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अटाला क्षेत्र में करीब 5 घंटे तक जमकर पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें पुलिस की जांच पड़ताल में जावेद उर्फ पंप का नाम सामने आया है। और फिर आज भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा जावेद उर्फ पंप के मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से पत्थरबाजी की घटना सामने हुई है, ऐसे में जो यहाँ पे मास्टर माइंड है जावेद उर्फ पंप, उसके घर पे आज यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और ये तस्वीरें हैं संगम नगरी प्रयागराज की। ये देखिए, यहाँ पर बुलडोजर जा रहा है और ये जो मुख्य आरोपी है जावेद उर्फ पंप, उनके घर को गिराने की यहाँ पर आज पूरी तैयारी है। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो पुलिस ने यहाँ पर जिस तरीके से आज ये पूरी छावनी बनी हुई है, ऐसे में ये लगातार यहाँ पर देखिए अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर है। पुलिस कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह की पुलिस कोई चूक नहीं करना चाहती है। हालांकि पहले ही इसका चिन्हीकरण कर लिया गया था और आज यहां पर यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। वाराणसी में नमामि गंगे ने 80 घाट से संत रविदास घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया। साथ ही एक घाट चलो चले मोदी के साथ अभियान के तहत 80 से संत रविदास घाट के किनारे फैली गंदगी को साफ किया गया। अभियान का उद्देश्य अविरल निर्मल गंगा के संकल्प को साकार करना है, माँ गंगा को प्रदूषित मुक्त कराना है। फरुखाबाद में दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने एक परिवार के साथ मारपीट की। इस दौरान दबंगों के हमले में बुजुर्ग दंपति सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही पीड़ित परिवार का कहना है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। हम घर चल के हम दबा खारे टांग का हमको मारा पीटा, हाथ पांव तोड़ दिए, सर फोड़ दिया। आपके साथ और भी लोग कोई घायल हैं? 5 लोग, 6 लोग, 6 लोग। कौन कौन है? हमारे घर में है, हमारी बहू है, लड़की है, लड़का है। कोई गर्भवती था? हाँ, गर्भवती है बहू हमारी। अच्छा अच्छा, तो क्या बात क्या हो गई, किन लोगों ने मारपीट की? कुछ नहीं है, अब बात की हमारे घर में 7 तारीख को आग लगा दी। शाहजहांपुर में एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने एक महिला की निर्मम हत्या कर दी है। हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारी दादी ने बताया कि माँ तुम्हारी खत्म हो गई, जब हम गए तो गर्दन की कटी हुई थी। कहाँ पड़ी थी? 3 पड़ी है बाग में, वहाँ पर पड़ी थी। किस चीज का बाग है? आम का। काहे से मारा गया ये? कुछ अब यही तो पता नहीं काहे से मारा गया, वहाँ कुछ मिले नहीं। क्या कोई पुरानी रंजिश वगैरह है? कुछ नहीं, मेरी किसी दुश्मनी नहीं थी। आ
मामला अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र से है, जहां बहन की शादी के कार्ड बांटकर आ रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिसके बाद युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये ट्रक आ रहा था अलीगढ़ की तरफ से और एक जारोट का लड़का था, वो नौते दे करके आ रहा था मथुरा साइड से, तो इन दोनों में आमने सामने से टक्कर हुई तो उसकी मौके पर मौत हो गई। क्या नाम था उस बच्चे का जो मरा है? उसका नाम अभी मालूम नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पुष्पेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय समुद्र सेवक। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नयावास। खबर बुलंदशहर से है, जहां अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और शव की पहचान कराने में जुट गई। मंदलिए चारा काटने वालों से चारा। पुलिस को सूचना किसने दी? हमारे आदमी, हमारे द्वारा। आपके द्वारा? अच्छा, ये इसकी शनाख्त नहीं हो पाई अभी? कोई शनाख्त नहीं। खबर कौशाम्बी जिले से है, जहां चरवा गांव में दबंगों ने दबंगई के बल पर पीड़ित के मकान में जबरन ताला लगा दिया। इसका विरोध करने पर दबंग पीड़ित को मारने पीटने पर उतर आया, जिसके बाद पीड़ित ने थाना अध्यक्ष अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। संभल के हयात नगर में पंचायत घर पर राशन की दुकान का प्रस्ताव होने से पहले ही राशन की दुकान को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। वही सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटना की स्थिति को नियंत्रित में किया और पूरे मामले की जांच करने में जुट गई। कानपुर की घटना को लेकर रायबरेली प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव की अगुवाई में सीओ लालगंज महिपाल पाठक ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। बीते जुमे की नमाज के बाद आसपास के जिलों में हुए प्रदर्शन के मद्देनजर शहर की सुरक्षा बढ़ाई गई और ड्रोन कैमरे से शहर की निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने धर्म गुरुओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। फिलहाल जिले से अभी तक किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी है, हालात सामान्य है। हमारे यहाँ जैसे कल व्यवस्था की गई थी पुलिस की, उसी तरह से आज भी व्यवस्था है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई अलग प्रभावी नहीं की जा रही। सभी जगह पुलिस अपनी बस पेट्रोलिंग कर रही है। हम लोग सब जगह लगे हुए हैं। सभी सूचना मैं क्षेत्राधिकारी SDM तहसीलदार सभी लोग साथ में घूम रहे हैं, देख रहे हैं। किसी भी प्रकार की ऐसी बात प्रकाश में नहीं हुई लेकिन फिर भी हम सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। जमनवाद के बाद बात की जाए इलाहाबाद की, हिंसा की तो लगातार देखते हुए रायबरेली प्रशासन भी एक्टिव मोड में आ चुका है। बात करें रायबरेली जनपद के लालगंज थाना की, जो कि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, और उसके बावजूद यहाँ पर अभी शांति बनाया हुआ है, क्योंकि लगातार शांति बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो लालगंज पुलिस है वो चारों तरफ से एकदम बात की जाए तो तैनात है। हर चौराहा पर तैनात है। बात की जाए उप जिलाधिकारी महिपाल पाठक, तहसीलदार ज्ञान प्रताप सिंह, जो लालगंज राजेश कुमार सिंह के साथ भारी बच्चों पुलिस फोर्स है, उनके साथ बेहतर मार्च भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए सब किया जा रहा है। राजेश प्रताप सिंह। अब तक की खास खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।